हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। उसके बारे में हम शेयर एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना है या नहीं करना है, और ये भी बताएंगे कि जिस लोगों ने इस कंपनी में पहले से निवेश कर लिया है तो उनके लिए क्या ये कंपनी सेफ है, किस तरह के टारगेट्स लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, एज वेल एज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपका क्या होना चाहिए इस कंपनी के बारे में, तो वो सब डिस्कस करने वाले हम इसी वीडियो में। सो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस, उसके साथ साथ में मार्केट रेट कोई भी अपडेटेड न्यूज या फिर कोई भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो वो हम सबसे पहले इसी चैनल पर आपको शेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी जो कि कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर जो मेन जो इसका कारोबार है वो किसके अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। सिर्फ ये कंपनी मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, दैट इज ये सिर्फ शुगर को मैन्युफैक्चर करती है, उसके साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन पैकेजिंग उसका जो काम है उसमें ये एंगेज नहीं है। सो आपको ये पता होना चाहिए। तो उसके थ्रू इस कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी कमाती है। अगर मैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो 4,320.16 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो डिविडेंड यील्ड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपीज, दैट इज 0.62%। बीटा है इसका 0.77, जो कि इस स्टॉक को मीडियम रिस्क स्टॉक जरूर बनाता है, जो कि आपको बताता है कि अगर इंडाइसिस के अंदर अगर आपको 1% का अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.77% का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग चल रहा करंटली 15.13, और इस शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफी अच्छा, दैट इज इंडस्ट्री के मुकाबले आपको सस्ते भाव पे अभी देखने को मिल रहा है, दैट इज 12.3 के प्राइस टू अर्निंग पे करंटली अवेलेबल है। प्राइस टू बुक है इसका 3.4 और बुक वैल्यू शेयर की 52.53 रुपीज। अगर मैं इस कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूं तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन की कोई आपको कोई डाउट नहीं है, कंपनी का अच्छा खासा टॉप लाइन भी अच्छा खासा बढ़ रहा है और बॉटम लाइन के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट फिर भी कंपेयर करते हैं कंपनी की जेडिस टॉप लाइन जो परसेंटेज ऑफ जो परसेंटेज से बढ़ रही है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, अगर उसके हिसाब से हम प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको अच्छा खासा अपट्रेंड जरूर देखने को मिल रहा है, बट कंपेयर टू द रेवेन्यू उतना परसेंटेज ऑफ इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग काफी अच्छी है इस कंपनी में, 68.43% का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के प्रमोटर द्वारा किया गया हुआ है। FII का इन्वेस्टमेंट है 2.78% और DII का इन्वेस्टमेंट है 4.07%। और आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 24.72%। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफी अच्छा है। सो अगर हम अभी कंपनी के जो रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं कि कंपनी ने जो पिछले तीन अभी प्रीवियस 3 quarters में कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है, तो उसके हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी के और कितने एक्सपेक्टेशन, कंपनी के और अच्छे कितने रिजल्ट आ सकते हैं इन द फ्यूचर। सो अगर सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की टॉप लाइन, दैट इज आप देख सकते हो कि जून 2020 1,228 करोड़ से जो सेप्टेम्बर क्वार्टर में जो कंपनी का टॉप लाइन है उसमें आपको थोड़ा बहुत डिक्रीमेंटल आपको जरूर देखने को मिला, दैट इज 1,176 करोड़ रुपीज। बट फिर भी आप देख सकते हो कि कंपनी के टॉप लाइन में आपको थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट बोलते हैं वो आपको जरूर देखने को मिला है, बट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको एक अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को मिला है। दैट इज जून 2020 में 79 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट था, जो कि सितंबर 2020 में 32 करोड़ रुपीज, बट दिसंबर 2020 में फिर से कंपनी का 88 करोड़ रुपीज का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। जस्ट बिकॉज कंपनी जो मार्केट में जो टोटल एक्सपेंडिचर थे उस पर कंपनी ने कंट्रोल किया है, तो उसके कारण एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का जरूर आपको देखने को मिला है। सो कंपनी का भी जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया वो भी काफी अच्छा मुझे लगा। अगर कंपनी के रिटर्न रेशियोज की बात करें ऑन एन ईयर बेसिस तो कंपनी का सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि बताते हैं कि कंपनी के मार्केट में जितना भी इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है ऑन एन ईयरली बेसिस। सो 2018 में वो था 12.58%, 19 में 18.96% और 2020 में बढ़कर हुआ 25.03%। ROCE दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज मतलब मिक्सचर कंपनी का जितना डेट है वो और कंपनी का जितना इक्विटी है उन दोनों के मिक्सचर के ऊपर कंपनी का कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आया है तो अब हम वो देखेंगे। तो वो 2018 में था 22.17%, 19 में 19.49% और फिर से मार्च 2020 में बढ़कर हो चुका है 26.02%। और कंपनी का ROA दैट इज रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, मार्केट में कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है वो था कंपनी का
का ROA, तो वो भी था 2018 में कंपनी का 3.92%, 2019 में 5.68% और 2020 में बढ़कर हो चुका 8.28%। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो रिटर्न रेशियोज है उसमें आपको काफी अच्छा सा इंक्रीमेंटल जरूर देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, और कंपनी के परफॉर्मेंस में भी आपको कोई डाउट नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा आपको अभी करंटली देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के लेवरेज रेशियोज की बात करें तो लेवरेज रेशियो के अंदर सबसे पहला जो है वो डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कोई भी कंपनी के लिए, जो कि ऑन एन एवरेज बेसिस अगर 2:1 के रेशियो में तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर कंपनी की बात करें 2019 में जो कंपनी का डेट टू इक्विटी था 1.41 के रेशियो फॉर्म में, जो कि 2020 में डिक्रीज होकर हो चुका है 1.04%, तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात हो सकती है। भले ही कंपनी का मार्केट में डेट है बट कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर कंपनी का जो मार्केट में जितना डेट था उसमें आपको डिक्रीमेंट देखने को क्लियरली मिला है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि आपको बता दें कि कंपनी के मार्केट में जितने भी इंटरेस्ट पेमेंट है तो उस कंपनी को किस तरह से उसको पेमेंट करने की कंपनी की कैपेसिटी है, वो आपको बता दें कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज। अगर ये भी कंपनी का अगर अच्छा खासा इंक्रीमेंटल फेज में हो तो ये भी एक अच्छा खासा इंडिकेशन होता है। तो वो 2018 में कंपनी का 2.76%, 2019 में 4.64% और 2020 में बढ़कर हो चुका है 6.36%। तो आज इसने क्लोजिंग दी है 178.7 रुपीज, दैट इज 0.31% की अपर मूवमेंट के साथ इसने क्लोजिंग जरूर दी है, बट फिर भी अभी आप एक अच्छे खासे प्राइस लेवल, दैट इज का 5 ईयर हाई प्राइस भी, दैट इज 203.1 रुपीज है, उसके बाद आप देख सकते हो कि एक अच्छा सा इसमें गिरावट आपको जरूर देखने को मिली है। सो आपको जैसे कि पता होगा कि एक अच्छी खासी रैली के बाद थोड़ा बहुत आपको सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिलता है। सो इस टाइम में ऐसा हो सकता है कि ये जो सेलिंग प्रेशर आया है तो उसके बाद फिर से बाइंग का जो लेवल था वो था नियरली 165 के आसपास, और अभी करंटली 178.7 के आसपास चल रहा है। अगर यहां पर कल या फिर एक दो सेशंस में अगर समझ लो यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली अगर आपको देखने को मिलती है, और अगर समझ लो 199 का जो लेवल है अगर वो लेवल पे एकदम मतलब एक या दो सेशन में अगर आना स्टार्ट करता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको त्रिवेणी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के अंदर और अच्छा सा टारगेट अपसाइड पर आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आएगा, बट फिर भी अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड आ जाता है तो मेरे हिसाब से आपको बाइंग करनी चाहिए 163 या फिर 164 के प्राइस लेवल के अंदर आपको बाइंग करनी चाहिए, और टारगेट आपका बहुत ही अच्छा, दैट इज मिनिमम टारगेट आपका 200 रुपीज का हो सकता है। अगर उसको भी ब्रेक करता है अपसाइड डायरेक्शन में तो आपको और अच्छा सा एक बहुत अच्छा सा, दैट इज 5-10% आपको और उधर देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग करने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में आपको पैसे कमाने के लिए आपके लिए ये वीडियो ज्यादा मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस कंपनी रिलेटेड या फिर इस कंपनी के डेटा रिलेटेड आपको कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू।